आप इन सीढ़ियों पे चढ़ के यहाँ आते हैं ना, आपके गोडे गिट्टे ठीक होने चाहिए। मेरे सब गोडे रह गए हैं बिल्कुल। नहीं नहीं, आपने खुद बनाया है, आपने खुद बनाया है। गिरा हुआ है बिल्कुल, राइट का लाइन, राइट का कॉर्नर गिरा हुआ है। कम हियर, ये लो। So, what's your plan now? पहले पेट पूजा, अब हम जा रहे हैं उनके जाहिर शाह के कैफे पे और वहाँ पे फॉर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट, राइट? हाँ यस, ये आज हम थोड़ा सा कैलाश मूड में आ गए हैं और आज हमने अंडे टोस्ट की बजाय होपफुली हम जाके रोज की रोटी मिलेगी। लेट्स गो। ओके, ये देखिए हमें दोबारा से रास्ते में किसने ज्वाइन कर लिया, मिट्टू ने। चलो लेट्स गो मिट्टू। कैमरे तो दूसरा लगा है 18-140। अच्छा, एक रोटी, अखरोट की रोटी या तब अखरोट का, एक अखरोट का रोटी सर, एक अखरोट का पराठा है। ये बड़ी बढ़िया छोड़। और ये आटा किस चीज़ का? ये देसी गंदम। अच्छा, ये गंदम। और ये आलू मिर्ची, एक दर मिर्ची। ये आलू का है ना? हाँ वो आलू का। और ये लोबिया का है। अच्छा, लोबिया का है। इसमें घी वगैरह इस्तेमाल नहीं हुई। दिस इज कड़मिशी, दिस इज अड़विशी। कौन सा है ये? अखरोट की रोटी है। अखरोट का रोटी है। इसके अंदर अखरोट का जो है ना, कह सकते हैं बना के, तो उन्होंने जो है ना पेस्ट कह सकते हैं, चटनी या कह सकते हैं लगा के, तो रोटी बने हुआ है तंदूर का। और साथ में ये पराठा भी है, ये भी अखरोट का है। ये जी आप कह सकते हैं कैलाश वैली में आज जो देसी जो ट्रेडिशनल खाना है ना वो हम सर, ये इनके सिंपल है। ये क्या है? ये वही है उनका सिंपल। अच्छा, उनका सिंपल ये जो है। चलो भैया। और ये जो ये का क्या कहते हैं, ये चावल का रोटी है ना? नहीं नहीं, ये गंदम वाली, गंदम नहीं, मकई, मकई, मकई का, ये मकई का रोटी भी आ गया। रोटी है। अच्छा जी, जिंदाबाद। टेबल थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं जस्ट। आप भी चलिए। नहीं मैं पढ़ा है, इसको डालते वक्त चम्मच हिला लेना ना, मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये जी मुकम्मल। और ये गुइंडा जो चीज़ है, इसको आखिर में टेस्ट करना है, क्योंकि ऐसा ना कि ये पूरा टेस्ट को ख़राब कर दे। ये वैसे है, ये अचार जिसका बनाते हैं, अचार जैसा ये लोकल, अचार चीज़ है। और ये कितने साल पुराना होगा? ये 4 साल पुराना। ये 4 साल तो ये वैसी अच्छा भी है। ये जी आज टोटल जो है कैलाश का जो देसी खाना कह सकते हैं हम ट्राई कर रहे हैं जी। तो जनाब इस वक्त हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, हम रंबोर वैली की तरफ जानब जा रहे हैं। रंबोर वैली की जानब तो आपको साथ साथ अपडेट भी करते रहेंगे। हमारे साथ ज़ाहिर शाह साहब हैं साथ, जो कि हमें कंप्लीट यहाँ पे गाइड करेंगे। बेसिकली इस इलाके से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, कल्चर से, लोगों से। तो इंशाल्लाह होपफुली हमारा ये ट्रिप बहुत अच्छा रहेगा जी। तो जनाब इस वक्त हम पहुँचाए हैं इस ब्रिज पर जो कल हमने क्रॉस किया था चित्राल से, जब हम यहाँ बम्बोरेत की जानेब आए थे। अब इसी यहीं से, इसी पॉइंट से हम कल लेफ्ट को आए थे, आज राइट को जाएंगे तो रंबोर वैली है। सीधा जाना डाल लूं ये भी, और सब बच्चे हैं। नहीं आगे, बी केयरफुल, कॉर्नर गिरा हुआ है बिल्कुल, राइट का लाइन, राइट का कॉर्नर गिरा हुआ है। कल हमारे गांव पे एक लड़का 4 बजे के टाइम ये दरिया पे फिर सीम से, इसी तरह कोई सिम लगे उधर से वो जाने की कोशिश की, तो फिर वो थोड़ा देर तक वो लेके गए, फिर निकले 6 मिनट का।
तो जाएगा उसके लिए जगह हो गया सर। ये पकड़, ये चेरी वाली है, लेफ्ट राइट ये लेफ्ट आज जब हमारे ये चीज़ें हम बड़ी थोड़ी चीज़ें बहुत से लोग अपने होटल को बना देते हैं वो जिस तरह हर जगह पर बनते हैं वो कल्चर थे वो तो आपको हाई से कल्चर तो सोचते तो हमने कल्चर तो कल्चर के लोगों का उनको बैठ जाए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा यहाँ पे कहीं रोकनी है क्या? इधर इधर रुके वहाँ की जगह। अच्छा अब यहाँ से पैदल, यहाँ से पैदल ये दो जगह इधर पैदल करेंगे। तो ये वही है जहाँ पे जा नहीं सकते ना फीमेल? इसके छत पे नहीं जाते, छत पे नहीं जा सकती ना, अंदर जा सकती है। होली प्लेस से वहाँ पे लेडीज नहीं जाते। होली प्लेस पे लेडीज क्यों नहीं जाते? वहाँ पे सिर्फ मर्द जाते हैं। सही, तो इसके छत पे फीमेल नहीं जाती है ना? जस्तखान जी। तो जनाब ये इनकी होली प्लेस है यहाँ पे कैलाश पीपल की। यहाँ पे आप इसके डोर से अंदर तो जा सकते हैं, फीमेल मेल जाते हैं, फीमेल इसके डोर से अंदर जा सकती हैं, बट इसके छत पे फीमेल नहीं जाती। दिस इज कॉल्ड जस्तखान। उसके अलावा की जो होते हैं वो भी यहाँ पे रखे हैं। और ये हर गांव में होता होगा? ये हर गांव का है, तो एक गांव में दो भी होते हैं। एक गांव में दो भी होते हैं, ज़्यादा तो बड़ा फ्रांस ये कुछ हुए तो कौमियत कुछ था। अच्छा अच्छा हाँ, इनके अंदर भी आप कह सकते हैं कुछ के कौमें गलाशी गलाशी में जस्तखान का ये छत है। होपफुली आई कैन शो यू, ये इसकी रूफ है। यहाँ पे बेसिकली फीमेल इसकी रूफ पे नहीं आ सकती, इनकी होली प्लेस है सो मेल आर अलाउड बट फीमेल जो है वो अलाउड नहीं है। तो इसमें आग लगाते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ढोल यहाँ पे ढोल यहाँ पे रखते हैं, फिर यहाँ पे मुकाबला होता है, ये दूसरे गांव में जाते हैं, यहाँ पे जो गांव वाले हैं जी यहाँ पे ये खड़े जाते हैं अंदर जाने। तो आपके क्या नाम है? बीबी अस्मा। कौन सी क्लास में हो? फोर्थ। बारिश आ गई, अच्छा बारिश आ गई, न सो और छतरी मैंने पकड़ी हुई है। छतरी, थैंक यू सो मच। और हमें लीड कर रहे हैं इस वक्त जाहिर जो कि यहाँ के लोकल हैं। अच्छा आज ही अंदर ही बैठते हैं, यहाँ से गाँव से आ जाते। जैसे ही हम रंबोर में पहुंचे तो बारिश ने हमारा पुरतबाग इस्तकबाल किया और हमें इतनी शिद्दत से वो बारिश आई कि हमें छुपने के लिए फिर ज़ाहिर शाह साहब अपने अजीज़ों के घर ले गए और वहाँ पे जाके हमने फिर अच्छी सी चाय पी और उनकी कंपनी एंजॉय की और ये हमारे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था जी। तो जनाब यहाँ पे हम आए थे बेसिकली बारिश की वजह से, हमारी जो गाइड हैं उनके फैमिली मेम्बर की तरफ आए थे और जनाब ये है उनका घर जहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया, बारिश रुकने का वेट किया। सामने जो आप देख सकते हैं आबादी सारी वो है इनके, बहुत अच्छे लोग हैं,
कोऑपरेटिव लोग हैं, आप जब भी आना चाहें मोस्ट वेलकम। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि किसी की भी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो आपकी वजह से। तो मेरा तो यही मैसेज होगा। और ये इनके घर के बिल्कुल सामने दरिया है, नहीं नहीं आपने खुद बनाया है। थोड़ा थोड़ा फारिक टाइम पे बहुत प्यार। और आप वो टॉप पे एक स्टोन नजर आ रहा होगा, वो इनकी होली प्लेस है, वहाँ पे अलाउड नहीं है कोई जो इस कल्चर इस रिलीजन से हट के जो बंदा उसका जाना। उसके सामने वाइट जो रूफ वाला एरिया, वो इनका डांसिंग प्लेस है, वो अभी इन्होंने रिसेंटली उसको कंस्ट्रक्ट किया। पिए जी, यहाँ पे एक शॉप है तो इन्होंने हमें कहाँ इनवाइट किया। देख लू, आप खुद बनाती हैं? शॉपिंग सेंटर, हाँ बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो कितना दिन, कितने दिन लग जाते हैं अगर ये बनाना है एक तो? ये होता है 6-7 दिन। अच्छा सही सही। वो जहीर भाई हैं हमारे साथ। आप इन सीढ़ियों पे चढ़ के यहाँ आते हैं ना, आपके गोडे गिट्टे ठीक होने चाहिए। मेरे सब गोडे रह गए हैं बिल्कुल। हम लोग 300 स्टेयर्स चढ़ के आए ऊपर, वो नीचे दूर उधर से कहीं से, आई डोंट नो कहाँ से, 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है, ना चला जा रहा है ना कुछ। तो जिसने भी आना है कर ली, डाइटिंग करके आए, गोटे बिल्कुल अपने ठीक करके आए, रिपेयर शिपेयर अपने आप को करके आए। दिस इज देयर डांसिंग प्लेस, जहाँ पे इनके फेस्टिवल्स पे इनके जो रिचुअल्स होते हैं परफॉर्म करते हैं, इनकी जो डांसेस होते हैं वो लोग यहाँ पर। रंबोर में इस डांसिंग प्लेस के बिल्कुल सामने एक घर था जहाँ पे एक दो दिन पहले फौतगी हुई थी। तो वहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि वो ताज़ियत के लिए आने वाले वहाँ पे लोग बैठे हैं, तो हमने भी इस मौके पर उनसे ताज़ियत की और उनकी दिलजोई की। डांसिंग प्लेस पर वहाँ पे उनके रिदो कारब ताज़ियत के लिए इकट्ठे थे, तो हम फिर वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, सिद्रा की काउंटिंग के मुताबिक अब ये 50-60 सीढ़ियाँ और भी थीं, तो हम ऊपर चले गए और वहाँ जाकर हमने जन्नत दीप नज़ारे और भी देखे। ये जो छत सामने नज़र आ रहा है आपको, ये वाला यहाँ पर भी लेडीज़ अलाउड नहीं है। ये इनकी होली प्लेस है और यहाँ पर लेडीज़ अलाउड नहीं है। ये भी सेम वही है, जस्ट खान है जो
थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। रंबोर की इस डांसिंग प्लेस में जहाँ पे वो तादियत के लिए लोग इकट्ठे थे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राणा साहब को बच्चों ने घेर लिया। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यार करने वाले। तो इसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू। रंबोर डांसिंग प्लेस से जब हम थोड़ा सा नीचे उतरे तो ज़ाहिर शाह साहब हमें अपनी फैमिली के किसी घर में ले गए। वहाँ पर जाकर हम दो हिस्सों में तकसीम हो गए, मलक मतीउर रहमान, राणा साहब, और ये हमारे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो पहाड़ था जिसका रास्ता भी कुछ दुश्वार गुजार था, वहाँ पर चले गए। और वहाँ इनका मकसद था, एक हैंडीकैप्ड आर्टिस्ट थे जिन जो वुडन चीज़ें बनाते थे, स्कल्पचर बनाते थे, तो ये लोग उनसे मिलने के लिए वहाँ पर चले गए। बाय बाय, लास्ट का ब्लॉग अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद माय गाइड को यहाँ पे हम पिछले स्टे कर रहे थे, तो दिस इज गिफ्ट फ्रॉम कैलाश फैमिली। उन्होंने हमें गिफ्ट किए हैं, हैंडमेड है, और ये कॉर्नर की बात होती है, और ये अपने जो गेस्ट होते हैं, इनके जो गेस्ट होते हैं, ये उनको ये गिफ्ट लाइक। इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं मजीद। यहाँ पे कैलाश में हम आए तो हमारे साथ सानिया है। हम सानिया से जानते हैं इनकी एजुकेशन क्या है और थोड़ा सा कैलाश कल्चर के बारे में। सानिया, मैंने मिस सानिया गुल, मैं कैलाश वैली से हूँ, मैं मास्टर किया हूँ एजुकेशन में। और सानिया, आप मुझे अभी कैप का कुछ बता रही थी, कुछ कल्चर। ये कैप इस तरह, हम ये फेस्टिवल के टाइम पे ये कैप हम पहनते हैं अक्सर, या किसी के डेट होती है उस टाइम ये एक कैप हम उतारते हैं, उस टाइम ये कैप हम पहनते हैं। ठीक हो गया। और कितने दिन तक वो फिर डेथ के वो आप लोग करते हैं, उस चीज़ का फॉलो करते हैं? ये इस तरह होती है ना, एक हम 7 दिन का वो करते हैं ना, 7 दिन बाद उसके हाथ में जो उनके रिलेटिव है जिसके ऊपर ये कैप है ना, उनको हम फूल हाथ में देते हैं। अच्छा। फिर वो हम वो ख़त्म करते हैं ना, या एक दिन करते हैं अगर, या बीच में अगर फेस्टिवल हो गया साथ में, तो हम एक दिन का वो करते हैं, बाकी वो 7 दिन होती है। ठीक है। जो उसकी मिसेस होती है उसकी 4-5 महीने लगती है वो इद्दत ख़त्म होने में। अच्छा, सही सही सही। तो इसमें फौदगी पे आप लोग अभी भी वही करते हैं, वो जो पहले रिवाज था कि वो सब जानवर लाते थे हर गांव से, या इस तरह से लोग जानवर देते हैं उन्हें पकाते हैं और वो सब? ये हर गांव से तो नहीं होती है ना, ये हाँ। इस तरह होती है ना, जो हमारी यहाँ पे जब एक कौम की डेट होती है ना, उसमें जो कौमियत होती है उनमें जो वो बकरी वगैरह होगी, रोटी बनाना होगा, वो सारा अरेंज करती है। अच्छा। अगर उसको 2 दिन रखना हो तो फिर कोई 2 दिन रखती है, कोई 1 दिन उसको रखती है ना, उस टाइम ये खर्चे ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम 3 वेली के लोग आ जाते हैं, पूरे गांव में खाना देना पड़ती है, फिर उनको 5-6 लाख तक एट ए टाइम में खर्चे आ जाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताना, यहाँ पे इस इलाके में कैलाश में भी बच्चियाँ पढ़ती हैं? जी जी, आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ती है, क्योंकि पहले तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं थी, चित्राल यूनिवर्सिटी, उस टाइम मुश्किल होते थे, इस्लामाबाद जाना पड़ती थी, पेशावर जाना पड़ती थी। अभी तो वो चित्राल यूनिवर्सिटी बने, उस वजह से वो चित्राल में पढ़ती है, क्योंकि ये बी एस सिस्टम हुआ है ना, मुख्तलिफ कॉलेज में भी हुआ है, उस वजह से ये उधर पढ़ती है। सही हो गया। बना रहे अम्मी की क्या रूटीन होती है दिन की? अम्मी की रूटीन यही होती है, वो ड्यूटी पे जाती है हॉस्पिटल पे। अच्छा। ये साथ ही है, उधर से वो आ जाती है घर पे, बस घर के कामों में लगी रहती है। यहाँ के कई ऐसे लोग भी होंगे जो आज तक इस गांव से भी बाहर नहीं गई होंगी, लड़कियाँ हैं कुछ? आजकल तो जाते रहते, शायद कोई होगी इस गांव पे, इस गांव से कोई नहीं निकली। तो आप अब तैयारी की है, आपका फेस्टिवल है 2-3 दिन में? अब ये वो बड़े फेस्टिवल तो हो गया, ये तो उसके वो है, इसके लिए तो जी हाँ, इसकी भी तैयारी है। ये फेस्टिवल क्या है, मुझे थोड़ा सा बता दो, इसमें क्या करते हैं? इसमें ये फेस्टिवल भी उसी तरह होती है जिस तरह बाहर स्टार्ट होती है, ये मई फेस्टिवल में हम उसी टाइम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जी, तो ये हम जनाब रंबोर में एक घर में आए हैं, और इन्होंने हमारे लिए बहुत तकल्लुफ कर लिया, और ये जनाब ये चिकन है, वो आई थिंक लोबिया है। हाँ, जबरदस्त लोबिया चाहिए।
और ये हमारे जी राणा साहब आ गए गोपाकनाथ वाले और ये जी मैम ये देखें जी मलिक मती जनाब आ गए हैं सन ग्लासेस लगा के अंधेरे कमरे में जी तो जनाब अब हम यहाँ से रंबोर वैली से निकल रहे हैं ये हम ग्रोम विलेज में थे तो इसके साथ जी हम अपने रंबोर के इस फर्स्ट विजिट को कंक्लूड करते हैं और हम वहाँ से अच्छी यादें बहुत प्यारी यादें लेकर हम वापसी का सफ़र हमने शुरू किया और हम फिर तकरीबन ये जो एक सवा घंटे की वो है मुसाफत ये तय करके तो हम बम्बुरेत की जानब वापस चले गए।